हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अडीनियम ग्रोअर्स। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि ये सभी जो ग्राफ्टेड प्लांट्स मेरे रखे हुए हैं, इनकी रिपोर्टिंग करने के लिए मैं मीडिया कैसे रेडी करती हूँ। मैंने अभी तक रिपोर्टिंग का काम स्टार्ट नहीं किया हुआ है और अब मेरा वेदर कुछ सही हो रहा है तो मैं रिपोर्टिंग का काम स्टार्ट करूँगी। उसके पहले मैं मीडिया का प्रिपरेशन करूँगी, तो वही आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के संग कि मैं अपने अडीनियम प्लांट्स के लिए मीडिया कैसे प्रिपेयर करती हूँ, मतलब ग्राफ्टेड प्लांट्स के लिए। बाकी प्लांट्स की सभी की मीडिया मैं अलग अलग प्रिपेयर करती हूँ, तो ग्राफ्टेड अडेनियम जो हैं जिनमें कि कंटिन्यूसली मेरी फ्लावरिंग होती है, तो उनमें उनके लिए मैं मीडिया कैसे प्रिपेयर करती हूँ, वही आज मैं आप लोगों के संग शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैं मेज़र करके आप लोगों को बताने वाली हूँ कि एक अडेनियम प्लांट्स के लिए हम अपनी मीडिया कैसे प्रिपेयर करते हैं। बाकी अगर सभी प्लांट्स की बात करें तो हमने मीडिया पहले से प्रिपेयर करवा ली है, क्योंकि इतने सारे प्लांट्स हो जाते हैं कि मैं मीडिया खुद से प्रिपेयर नहीं कर पाती हूं। तो मैं एक प्लांट्स का मीडिया प्रिपेयर करके दिखा देती हूं रेशियो कि मैं कैसे प्रिपेयर करती हूँ मीडिया। वही सेम रेशियो मैं सभी ग्राफ्टेड अडेनियम के लिए रखती हूँ। तो देखिए, मैंने इस तगाड़ी को ले लिया है, इसी में मैं मीडिया प्रिपेयर करूंगी। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो मैंने सैंड लिया हुआ है, मोटी वाली बजरी वाली सैंड है, ये देखिए। और ये मैंने जो लिया हुआ है, एक पॉट लिया हुआ है, ये 6 इंच का पॉट है और इसमें पूरा ऊपर तक फिल करके लिया हुआ है। एक पॉट सैंड हो गया और एक पॉट ये मेरा कंपोस्ट हो गया, मतलब गोबर खाद है, फुल्ली डिकम्पोज है, ये बहुत ही अच्छे तरीके से डिकम्पोज हुआ है। और जो मैं इसमें मिक्स करने वाली हूँ सारा इंग्रेडिएंट्स, तो सब कुछ दिखाती चलूँगी, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, सब कुछ आप लोगों के संग शेयर करेंगे। तो चलिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। तो ये देखिए फ्रेंड, हम इसे टब में पलट रहे हैं। एक पॉट में मैंने मिट्टी ले लिया, मतलब कि सैंड है, हल्का सा मॉइस्ट है सैंड मेरा, क्योंकि इस टाइम पर मेरे यहाँ हवा काफ़ी ज़्यादा तेज़ चल रहा है, इसलिए मैंने सैंड को थोड़ा सा मॉइस्ट कर लिया है कि उड़ेगा नहीं। ये 6 इंच के पॉट से मैं मेज़र कर रही हूँ और एक पॉट में कंपोस्ट ले रही हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं ये कपड़े नीचे होल्स में लगे रहे होते हैं। और इसमें जो बड़े बड़े टुकड़े हैं इनको मैं हटा दूँगी थोड़ा सा, आप चाहिए तो वर्मी कंपोस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे गोबर का खाद यूज़ कर रही हूँ। और ये भी बहुत ही अच्छे तरीके से फुल्ली डिकम्पोज है और 3 से 4 साल पुरानी खाद भी, ये देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा है, पूरी तरीके से ब्लैक हो चुका है। और मैं जो इसमें ऐड करने वाली हूँ फंगीसाइड है, इफ़्को बाज़ार का ट्राइकोडर्मा विरिडी है, काफ़ी अच्छा बायो फंगीसाइड होता है, इसका यूज़ करने में मतलब कि काफ़ी सही भी है और मतलब जो प्लांट्स में प्रॉब्लम होती है फंगस वगैरह की, वो सभी नहीं होता है। तो एक प्लांट के लिए जो हम मेज़र करेंगे, हाफ स्पून मिक्स किया है मैंने इसको। और इसके बाद जो मैं ऐड करूंगी, ये है मेरा नीम खली, नीम खली भी मैं 2 स्पून के आसपास ले रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। थोड़ा सा मैं और ले ली हूँ क्योंकि थोड़ा सा कम लग रहा था मुझे, तो इस वजह से 2 से 3 स्पून मेरा हो गया नीम खली, ये हो गया मेरा फंगीसाइड और गोबर खाद हो गया। और इसके बाद मैं ऐड करने वाली हूँ थोड़ा सा बोन मील, ये देखिए बोन मील की क्वांटिटी जो मैं ले रही हूँ, ये 2 स्पून के आसपास है, थोड़ा सा और मैं ले रही हूँ, ये देखिए कहें तो 2 स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने लिया हुआ है। और अब मैं जो इसमें ऐड करूँगी, सबसे इम्पॉर्टेंट है वो फ्लावरिंग के लिए होता है पोटाश। तो ये देखिए जो मैं पोटाश यूज करती हूँ, ये ऑर्गेनिक पोटाश है, ये देख सकते हैं आप लोग, इसका यूज़ मैं करती हूँ, इसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है इसका यूज़ करने से अडेनियम में। तो इसको भी मैं 2 स्पून ले लूँगी, ये देख सकते हैं थोड़ा सा मैंने लिया हुआ है पोटाश, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं किया हुआ है,
और इसके बाद जो मैं यूज़ करूँगी वो है सीविट का माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये देखिए, ये है सीविट का माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये भी मैं थोड़ा सा ऐड कर लूँगी। ये देखिए, थोड़ा सा और ले रही हूँ। तो यहाँ पे जो भी चीज़ मैंने यूज़ किया हुआ है सभी ऑर्गेनिक हैं, किसी भी टाइप का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है इन सभी चीज़ को यूज़ करने में। तो आप भी इस तरीके से अगर आप अपने ग्राफ्टेड अडेनियम का मीडिया रेडी करते हैं तो उनमें भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और अडेनियम आपके जो होते हैं उनमें ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा होता है और इससे फ्लावरिंग भी बहुत ही अच्छी होती है। तो अभी तक मैंने रिपॉटिंग का काम नहीं स्टार्ट किया हुआ है। अब ये मैं मीडिया को प्रिपेयर करूँगी, मतलब जो मैंने अडेनियम रखे हुए हैं तो उनके लिए मैंने मीडिया पहले से प्रिपेयर कर लिया है, बट अभी तक मैंने रिपॉटिंग का काम नहीं स्टार्ट किया हुआ है। मैंने लेबर से प्रिपेयर करवा लिया था मीडिया अपना, और रिपॉटिंग का काम अभी हम 3 से 4 दिन बाद स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग भी इसी तरीके से अपने ग्राफ्टेड अडेनियम के लिए मीडिया का प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये देखिए, मेरा मीडिया बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है, और अब हम चाहें तो इस मीडिया में 1 से 2 दिन बाद अपने अडेनियम प्लांट्स की रिपॉटिंग कर सकते हैं। हम मीडिया को पहले इसलिए प्रिपेयर करा लेते हैं क्योंकि जो हम गोबर खाद यूज़ करते हैं तो डिकम्पोज तो हुआ ही रहता है, और मीडिया में जो थोड़ा सा मॉइस्चर रहता है ना, तो उससे जो खाद पानी होते हैं, खाद वगैरह होते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से उनमें भिन जाता है। तो कहें तो उसमें जो ग्रोथ प्लांट में निकल के आती है बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ निकल के आती है, इसलिए हम अपने मीडिया का प्रिपरेशन पहले कर लेते हैं। तो इसी तरीके से आप लोग भी अपने ग्राफ्टेड अडेनियम का मीडिया रेडी कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। ओके फ्रेंड्स, बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।